बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी शेल्स को तैयार कर रहे हैं बेस कोट करके। मैं इस पर बेस कोट इसलिए करती हूँ ताकि जब इस पर हम कलर करें तो वो पूरा कलर अच्छे तरीके से नुमाया हो, और वरना इसका अपना जो कलर होता है सी शेल का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश होता है और कुछ ज़्यादा येलो होते हैं, कुछ पेल होते हैं। जैसे अब इसको मैंने ये कलर कर लिया, ये देख लीजिए। इस पर जब हम कलर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा, और इस पर जब कलर करेंगे इसका रिज़ल्ट डार्क आएगा, वो शेड नहीं आएगा जो शेड एक्चुअल एक्रेलिक कलर का है। सो, इसके लिए पहले मैंने ये वाला वाइट कलर टाइटेनियम वाइट लिया है, और इसको मैंने इस बॉक्स में लेकर थोड़ा सा पानी डाला, सादा पानी, इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट इसलिए किया है, अगर हम बिल्कुल वैसे ही डार्क ही इसको हम यूज़ कर लेते वाइट कलर को, तो क्या होता कि इसमें जो फिर हमें दूसरा कोट कलर का भी करना है, तो जो शेप है वो इसके जो लाइंस वगैरह होती हैं वो इतनी थोड़ी सी दब जाती हैं। यह मेरा ख़्याल है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाइल्यूट करके करती हूँ। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं पहले इस पे शेल पे करती हूँ। अब ये मेरा ब्रश एक पुराना सा है, बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल ब्रश लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट इस पे स्प्रेड ही करना है। आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ डार्क एरियाज पे करें या पूरे पे करें शेल पे। मैं पूरे शेल पे करती हूँ क्योंकि पूरा शेल थोड़ा सा क्रीमी और ऑफ वाइट सा होता है। टाइटेनियम वाइट करने से बिल्कुल प्लेन वाइट हो जाएगा, और जब मैं इस पे दूसरा कोई कलर अप्लाई करूँगी तो वो बहुत अच्छा सा रंग नज़र आएगा आपको। ये हो गया है, अब इस पर करते हैं। ये देखिए, डायरेक्शन का ख्याल रखिए कि एक ही डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स दें, चाहे तो यूं दे दें, चाहे तो आप यूं दे दें, मर्जी है आपकी। इनसाइड पर मैं पर्ल वाइट या चाइनीज़ वाइट करती हूँ, यहाँ पर मैं नहीं करूँगी कलर, वो वैसे ही ऑलरेडी वाइट है, उस पर एक कोट चाइनीज़ वाइट का ही करूँगी, ठीक है। अभी मैं इसको, मैंने ये बीच में से जो है लाइंस, उनकी वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे भी स्ट्रोक दूंगी ताकि वो भी वाइट हो जाए। ये लीजिए, इसको मैंने बेस कोट कर दिया है। जब हम इस पे कलर करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा शेड आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।